अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, जो दोस्त लाइक कर देते हैं तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख सकते हैं, कुवैत के अंदर एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई कुवैती नागरिक और पुलिस वाले के बीच। बताया गया अपडेट के मुताबिक कि यह कुवैती नागरिक गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था, जिस पर इसको पुलिस वाले ने रोका और बाद में कुवैती नागरिक ने अपनी फैमिली को बुला लिया, यानी अपनी मां को बुला लिया, और सबसे पहले उसकी मां ने पुलिस वाले के ऊपर हमला किया और बाद में कुवैती नागरिक ने भी पुलिस वाले के ऊपर हमला कर दिया। बताया जा रहा है, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर वीडियो क्लिप के माध्यम से भी देख सकते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले बाकी और पुलिस वाले आए और बाद में इस कुवैती नागरिक को गाड़ी में बिठाया और उसको पुलिस स्टेशन ले गए, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत बलदिया की टीम ने साइट का दौरा किया, यानी जहां बिल्डिंगें वगैरह तैयार की जाती हैं, जो साइट वगैरह पर काम होता है उसका दौरा किया और वहाँ पर कई तरीके की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की। ख़ास तौर से वर्करों के लिए कोई सेफ्टी नहीं बनाया गया था, यानी वर्करों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी और काम करने के लिए भी कोई व्यवस्था सही नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, जिसकी वजह से कई साइडों पर जुर्माना किया गया, कई कंपनियों पर जुर्माना किया गया और कई साइडों को बंद भी कर दिया गया है। और कहा यह गया है कि जितनी भी कंपनियां साइड वगैरह पर काम करती हैं वो वर्करों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही एक जानकारी आपको और भी दे दें कि 2024 का फरवरी का महीना 29 दिन का होगा। आमतौर पर फरवरी का महीना 28 दिन का रहता है, लेकिन 5 साल में एक बार ऐसा आता है जब फरवरी का महीना 29 दिन का रहता है, तो 2024 का फरवरी का महीना 29 दिन का रहेगा। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती फॉर सिविल इन्फॉर्मेशन की तरफ से बताया गया है कि कुवैत में रहने वाले कुवैती नागरिक और गैर मुल्की कोई भी वेबसाइट पर आप क्लिक करते हैं तो देख लें वो MOI की ही वेबसाइट है, कुवैत गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है या कोई फेक वेबसाइट है। फेक वेबसाइट पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लेकर कुवैत PACI की तरफ से वार्निंग भी दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत की अदालत ने 4 कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सस्पेंड कर दिया है, यानी इन कंपनियों को बंद कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन कंपनियों के ऊपर आरोप ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, यानी पैसे को गैर कानूनी तरीके से कुवैत से बाहर भेजा जा रहा था, इसकी वजह से इस कंपनी को बंद कर दिया गया है। ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।